आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था काव्या शो का। जी हाँ, उस शो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स सुम्बुल, मिस्कट और अनुज दे सकते थे आज उन्होंने दी है। प्रेस में बात करके, लोगों से इंटरेक्शन करके बहुत सारी न्यूज़ सामने आई है। मिस्कट और सुम्बुल की दोस्ती की स्टार्ट कैसे हुई, वो सब कुछ सामने आई है। एक बात मैंने नोटिस की, अगर आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो शायद आपने भी नोटिस किया होगा, वो क्या बात है? तो वो ये बात है कि जब भी सुम्बुल से एक क्वेश्चन किया जा रहा था कि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स पहले किए हैं, जैसे आपने इमली करा है, आप बिग बॉस में गई, वहाँ भी आप बहुत पॉपुलर रहीं, लोगों को आप बहुत पसंद आई, उसके बाद आप काव्या कर रही हैं, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की की कहानी है, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो जब इमली की बात आ रही थी, पहली बार जब बात आई तो उनकी मैनेजर यानी कि सुम्बुल की मैनेजर, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, इमली नहीं, मतलब इमली से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करने हैं। लेकिन जो मीडिया थी, जो लोग प्रेस में थे, उन लोगों का क्वेश्चन जब भी आ रहा था तो इमली ऑटोमेटिक आ जा रहा था बीच में, क्योंकि इमली का जो कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला है सुम्बुल की लाइफ पे, या फिर सुम्बुल अगर पॉपुलर भी हुई हैं तो इमली उसमें बहुत बड़ा योगदान रखता है, कि मतलब आप इमली को तो भूल ही नहीं सकते, ऐसा वाला है। और सुम्बुल ने खुद भी कहा है कि मैं इमली को नहीं भूल सकती, क्योंकि इमली ने मेरी लाइफ को जो मेरे को घर घर में पहुंचाया है, वो इमली ने ही पहुंचाया है। लेकिन आज मैंने उस इंटरव्यू में एक चीज़ बस मेंशन की कि इमली से रिलेटेड क्वेश्चन मत करो। इंटरव्यूअर ने दो तीन बार उनके मुंह से इमली आया, क्योंकि जब भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बात हो रही थी तो ऑटोमेटिक इमली आ रहा था। और इस पे सुम्बुल और मिस्कट दोनों हंसते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो मैनेजर को देख के हंस रहे थे कि भाई तुम इमली पूछ रहे हो, अभी वो तुम्हें डांटेगी और बोलेगी कि ये क्यों पूछ रहे हो। तो इस तरीके के कुछ जेस्चर्स सामने आए, तो मैंने कहा ये बात मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं कि इमली के क्वेश्चंस को अवॉइड क्यों किया जा रहा था, मुझे ये बस बात समझ में नहीं आई। सुम्बुल की लाइफ में इमली का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, सुम्बुल घर घर में फेमस हुई है इमली की वजह से, तो फिर सुम्बुल की मैनेजर ऐसा क्यों बोल रही थी कि इमली से रिलेटेड क्वेश्चन मत करो, बिग बॉस से रिलेटेड क्वेश्चन करो और काव्या से रिलेटेड क्वेश्चन करो, या फिर ओनली काव्या से रिलेटेड क्वेश्चन करो। तो ये बात मुझे समझ में ही नहीं आई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्या पता आप में से किसी को कुछ समझ में आया होगा। अगर आप में से किसी को समझ में आ रहा है कि इमली को क्यों अवॉइड किया गया, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। Take care.